हेलो, कैसे हो आप लोग? सभी स्वागत करता हूं एक बार फिर से लेट्स के एमपी एग्जाम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आप मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप इस टीम की मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये जो टीम है ये आपको प्रिपरेशन कराएगी पूरे एग्जाम्स की। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज तो एमपी में कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती हैं, ये सारी चीजें। चलिए, कौन कौन जुड़ गया है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग राहुल मेवाड़े जी, अंकिता जी, निशा जी, राहुल जी, शिल्पी जी, राज जी, वेरी गुड इवनिंग राजेश जी, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो एक बार फिर से जो नए लोग हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस चैनल पर, लेट्स क्रिक एमपी एग्जाम पर। और चलिए, कौन कौन जुड़ गया है तो फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर दें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्विज सेशन में हिस्सा ले सकें। ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है, क्विज का सेशन होगा। क्विज के सेशन में आप लोगों को केवल और केवल सॉल्व करना है क्वेश्चंस और आंसर्स कमेंट करना है। ठीक है, और जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। तो चलिए फटाफट से, अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी के साथ लर्निंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एमपीपीएससी और व्यापम, जैसे मान लीजिए स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हैं, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आप आईआईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर कैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितनी भी एग्जाम्स हैं, अगर इन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आपको एग्जाम्स को सेलेक्ट करना है। कुछ फ्री वीडियोस होंगी जो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, उन फ्री वीडियोस से आप अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एग्जाम्स को सेलेक्ट करेंगे, वहां पर आपका पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम वहां पर शो हो जाएगा। पाठ्यक्रम शो होने के बाद आप उस पाठ्यक्रम में आने वाले सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, उन एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जो एजुकेटर इस ऐप पर पढ़ाते हैं। ठीक है, उसमें हम भी इस ऐप पर पढ़ाते हैं, तो आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। नाम अजय सरकार, आप जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो ये नाम से आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मैं स्पेशल क्लास या प्लस कोर्स जो अवेलेबल होंगे वो आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उसको समय पर देख सके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपको पता ही है, आप एजुकेटर के साथ चैट मतलब डेली लाइव क्लास के दौरान कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और वहां पर आंसर पोल भी होता है। जैसे आपको समय दिया जाएगा 30 सेकेंड, ठीक है, या 1 मिनट, तो आपको उस टाइमिंग में आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। लाइव टेस्ट होता है वहां पर, लाइव टेस्ट भी आप दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक बेहतर पुशअप मिले। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर कोर्स होगा, जिसमें क्या होता है कि पहले से डिसाइडेड होगा कि भाई साहब ये टॉपिक इस समय, ये टॉपिक इस समय पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर ये सब चीजें कब प्रोवाइड की जाएंगी, अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब वीडियो को आप बार बार एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोचिंग्स में क्या होता है, हम लोग कभी मिस कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन में क्या होगा कि आप अगर मिस भी कर देते हैं क्लास को, तो आप बाद में भी देख सकते हैं उस वीडियो को, ये बेनिफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस होगा, मतलब बार बार उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको कब मिलेंगी, जब यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको पे करना होगा, 12 मंथ का और 24 मंथ का। अगर आप चेक करके देखना चाहते हैं तो 1 मंथ का लेकर देख सकते हैं, इसमें भी आपको मैक्सिमम 3% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप रेफरल कोड सरकार का यूज करेंगे, SAR सरकार। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये हो गया सरकार। सैयद जी पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है, देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जानता नहीं हूं, आप सामने आ गए हैं और हमारा अट्रैक्शन यहाँ पे हो गया है, तो हमारे बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, चलिए, ये रेफरल कोड सरकार है, सरकार का यूज जो है आप करेंगे तो यहाँ पर 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको 10% के साथ 6300 रुपये में और 24 मंथ के साथ 7560 रुपये की। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब बढ़ते हैं हम क्विज की ओर। तो हमारा जो सवाल है पहला, तो पहला सवाल हम लेते हैं
लीजिए। पहला सवाल, इसे सॉल्व करें। इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूं। दो नल एक हौज को, मतलब हौज मतलब होता है टैंक। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 3 hours and 4 hours रिस्पेक्टिवली, तथा एक निकास नली, निकास नली का मतलब होता है एग्जिट नल, ठीक है, मतलब खाली करने वाला। एंड द एम्प्टी पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 hours, यदि तीनों नल खोल दिए जाए एक साथ। इफ ऑल पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एट व्हाट टाइम इट टेक टू फिल द टैंक, बताएं जल्दी फटाफट। बहुत इजी, बहुत आसान। ठीक है, हुसैन साहब गायब हो गए हैं शायद, लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें शायद फिजिक्स में इंटरेस्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया निशा, 12 आंसर आया निशा का, राज का भी 12, माया का भी 12 आया है, मणि प्रकाश जी स्वागत है आपका, 12, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत इजी है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, सेशन में तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से हम देख लेते हैं सवाल का सॉल्यूशन। ए जो है वो 3 hours में क्या कर रहा है, टैंक को फिल कर रहा है। बी जो है वो कितने आवर्स में कर रहा है, 4 hours में। और जो सी है वो क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है 2 hours में। अब ये जो है ये खाली करने वाला टैंक है, ये फिल करने वाला टैंक है, ये भी फिल करने वाला टैंक है। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। आप 12 लीटर मान लेते हैं, 12 लीटर का ये टैंक है। अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो आप मुझे बताएं कितना आएगा, 3 घंटे में 12 लीटर, तो 1 घंटे में कितना लीटर, 4 लीटर। 1 hour में ये कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये जो है एफिशिएंसी है, मतलब क्षमता है। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 4 hours में 12 लीटर फिल करता है तो 1 घंटे में कितना, 3। ये 2 घंटे में 12 खाली कर देता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 6। तो ये माइनस में, ये बाकी चीजें प्लस में। प्लस और माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि केवल और केवल ये प्लस वाला फिल कर रहा है और माइनस वाला खाली कर रहा है, ठीक है। आप तीनों को एक साथ ओपन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में चलते हैं, ये प्लस का मतलब साथ में ओपन हो रहा है। तो ए फिल करेगा 4, बी फिल करेगा 3 और सी जो है वो माइनस से खाली कर देगा। तो इसका मतलब है 7 - 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो 1 लीटर जो है ये क्या हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब तीनों साथ में चलेंगे। तो इन्हें जो टाइम लगेगा बहुत सिंपल है, 12 लीटर का टैंक है, 1 लीटर 1 घंटे में ये फिल करते हैं, तो 12 लीटर कितने घंटे में, 12 आवर्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 आवर्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल करें, थोड़ा फास्ट करें, जल्दी से जल्दी हमें क्विज को खत्म करना है विद सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फटाफट आप कमेंट कर देना, तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करें आप लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, करें इसे। चलिए, राजपाल जी का भी आंसर 12 आ गया है, राहुल जी का आंसर भी 12 आ गया, मनीष जी का आंसर है 12, वेरी गुड। चलिए इस सवाल को आप लोग सॉल्व करें, बड़ा आसान सवाल है। ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 4 hours and 6 hours रिस्पेक्टिवली एंड दे आर ओपन अल्टरनेट आवर्स, मतलब एक एक घंटे के लिए ओपन किए जाते हैं, और ए जो है उसे पहले ओपन किया जाता है। तो आपको बताना है कि टैंक कितने समय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट लगाए ना, उससे बिल्कुल अपोजिट मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वहां पर आप गलती कर देते हैं। तो यहां पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, आप केवल इस सवाल को देखें और इस सवाल के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। देखिए फटाफट से हम देख लेते हैं। ए जो है वो हमारा 4 hours में किसी टैंक को फिल कर रहा है, मतलब प्लस एफिशिएंसी होगी। अच्छा, बी जो है वो टंकी को क्या कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, मतलब कितने आवर्स में कर रहा है, 6 hours में कर रहा है, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या होगा कि यहाँ पे दो नल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाता है, 12। हम मान लेते हैं कि लीटर 12 लीटर का टैंक है, ये लीटर कुछ नहीं है, यूनिट है, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर ए की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो मुझे बताएं ए जो है वो कितने आवर्स लेगा, पर आवर में कितने लीटर फिल करेगा। तो 4 hours में 12 लीटर, तो 1 hour में कितना, 3 लीटर। तो ये जो 3 लीटर है या 3 यूनिट है, ये इसकी एफिशिएंसी होगी, मतलब क्षमता होगी। बी जो है वो 6 hour में 12 लीटर फिल कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना, 2 लीटर या फिर 2 यूनिट फिल कर सकता है। तो दोनों एफिशिएंसी जो आएंगी वो धनात्मक होंगी, मतलब प्लस में होंगी। अब क्या हो रहा है, अल्टरनेट आर चल रहा है, मतलब ए पहले स्टार्ट होता है,
बारी बारी से एक एक घंटे। मतलब देखो सबसे पहली चीज तो फर्स्ट आर में क्या होगा, ए स्टार्ट करेगा, तो ए चालू होगा तो टंकी में कितना पानी चला जाएगा, 4 लीटर। अच्छा फिर सेकेंड आर में कौन आएगा बी, ये कितने लीटर फिल करेगा, सॉरी 3 लीटर, ठीक है, और ये कितना फिल करेगा, 2, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। फिर थर्ड आर में कौन स्टार्ट होगा, ए, क्योंकि बी बंद हो जाएगा, तो ए फिर 3 लीटर फिल करेगा, फिर कौन आएगा, बी, ये कितना फिल करेगा, ये 2 फिल करेगा। तो आप देख रहे हैं कि फोर्थ आर में इतना हो गया, तो आप देखिए हर दो दो घंटे में कितना फिल हो रहा है, 5, यहाँ भी कितना हो रहा है, 5, तो ऐसे चलता जाएगा। दो दो आर के पेयर बना लेते हैं हम, तो टू टू आर्स के पेयर कैसे होंगे ये आप समझिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं टू आर्स में इतना कुछ भी नहीं करना, ये केवल मैंने आपको समझाया। तो टू आर्स में पहले ए ओपन होता है फिर बी ओपन होता है, तो कितना फील होगा, 3 और 2 5, तो 5 यूनिट फील हो गया है कितने घंटे में, 2 आवर्स में फील हो गया। अब आपको बता यहाँ पर 12 लीटर को फील करना है, तो 12 को फील करने के लिए आप इसमें ऐसी नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या हो जाए, 12 आ जाए, तो 12 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो 10 के पास चला जाएगा, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आवर्स में ये हो जाएगा आपका ए बी अल्टरनेट डे काम करते हैं तो 10 यूनिट फील होगा, हो जाएगा 10 यूनिट। अब 10 यूनिट फील हो गया, आप मुझे बताएं कितने लीटर का है, 12 लीटर का, 10 यूनिट फील हो चुका है, मतलब 10 लीटर फील हो गया, तो रिमेनिंग जो बचा होगा, तो रिमेनिंग मुझे बताएं कितना बचा होगा, तो रिमेनिंग जो बचा होगा ये कितना बचा होगा आपका, 12 - 10 मतलब कितना, 2 लीटर, तो 2 लीटर ये रिमेनिंग बचा है। अब 4 घंटे हो गए, तो आप मुझे बताइए 5वें आवर मतलब फिफ्थ आर में कौन आएगा, ए आएगा, केवल ए ही काम करेगा ना, ए भी एक साथ तो करेंगे नहीं, हमने पेयर लेके चले हैं लेकिन दोनों एक एक से काम करते हैं, एक एक आवर काम करते हैं, तो ए स्टार्ट होगा मतलब 5वें घंटे में ए आएगा, तो ए कितना फील करता है, 3, तो आप बताइए 2 लीटर ही बचा है तो ए को कितना टाइम लगेगा 2 लीटर फील करने में, 1 घंटे से कम लगेगा, तो 2/3 आवर्स लगेगा, ठीक है, 2/3 आवर्स लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे यहां हो गए और 2/3 आवर्स यहां हो गए, तो आंसर हम आ गया 4 सही 2/3। क्लियर यहां तक, क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, 4 2/3 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल, वेरी सिंपल, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इजिली, आपको ये तरीके के जो सवाल हैं बहुत सिंपल हैं, ये आपको बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे, ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करें, वो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या होगा। सैयद जी को नॉट क्लियर, आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली, नो डाउट, एक बार रिवर्स कर लें वीडियो को फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं आया तो इस सवाल के थ्रू मैं आपको समझा दूं। चलिए इस सवाल को करें आप लोग, 3.5 आ गया है सही जी का, निशा जी का आया है 2 आवर्स, ओके, वेरी नाइस। चलिए हम डायरेक्ट सवाल को करते हैं, देखो समय बहुत, आपको बहुत कम समय में सॉल्व करना है, ए जो है वो कितने मिनट में फील करता है, 40 मिनट में, कितने मिनट में, 40 मिनट में फील कर सकता है, ठीक है, और बी जो है वो बी क्या कर रहा है, बी जो कर रहा है वो 60 मिनट में खाली कर रहा है, तो बी जो करेगा वो 60 मिनट में क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, अल्टीमेटली यहां पर आ जाएगा आपका 120, ये आ जाएगा आपका 120 लीटर, ये आपका टैंक की एफिशिएंसी आ गई। ए की बात करते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 लीटर पर मिनट, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 लीटर पर मिनट, क्लियर। अब हमें ये माइनस में लिखना है ये प्लस में, क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है, अगर दोनों एक साथ ओपन होते हैं तो 3 - 2, ठीक है, 3 - 2 इक्वल टू कितना होगा, 1, तो 1 लीटर पर मिनट क्या होगा, फील करेगा कौन, ए प्लस बी, तो हमारे पास कितने लीटर है, 120, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 120/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 लीटर हो गया, 120 लीटर, तो 120 मिनट हो गया, तो 120 मिनट का मतलब होता है 2 आवर्स, कितना होता है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स इज द राइट आंसर, वेरी गुड निशा राज, ठीक है, विजेंद्र पटेल वेरी नाइस, ओके 2 आवर्स, ठीक है, ये सैयद जी
कहां से हैं आप लोग? आप एक काम कीजिए, सईद जी को ब्लॉक कर दीजिए फटाफट, ठीक है? फिर हम क्लास के आगे वाले क्विज को करते हैं फटाफट से, क्योंकि डिस्टर्बेंस होना नहीं है। हमें केवल 10 स्टूडेंट भी लगेंगे तो हम 10 को ही पढ़ाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। 3.5 लीटर आ रहा है उनका आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल था, 3 और 2 को माइनस करके 1 से डिवाइड करना था और ओरली आंसर आ जाता आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, तो सॉरी ए और सी, ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, दोनों आंसर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सिंपल से सवाल, इसे सॉल्व करें आप लोग, डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग क्लास पर फोकस करें, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको आंसर कमेंट करना है, इसके अलावा आप कुछ ना करें। ठीक है, ओके, जब बात करने की बारी आएगी तो हम बात भी करेंगे। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। देखो क्या होता है कि चोर जो है ना, चोर कभी भी ये नहीं बोलता है कि मैं चोर हूं। चोर ये कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, बट वास्तविकता में वो क्या होता है? चोर होता है। लेकिन सामने वाला बोल रहा है आई एम जीनियस, मतलब वास्तविकता में वो नहीं है। ऐसा हो सकता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उधर ध्यान ना दें तो ही बेहतर है, शायद लाइव क्लास में होते तो कुछ अलग ही माहौल होता है उस टाइम। कुछ लोग जानते हैं लाइव क्लास दे चुके हैं इसमें से बहुत लोग, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नीर पटेल, वेरी गुड इवनिंग। चलिए इस सवाल को करें, आप लोग तो सॉल्व करें। आंसर आ गया 11:45, निशा तिवारी का आंसर आ गया। चलिए वेरी गुड, राज चौहान का 12 बज गए, देखना गलत तो नहीं हुए, 12 बजना जाए आपकी। चलिए देख लेते हैं, ए जो है वो 2 आवर्स में फील कर सकता है, बी जो है वो 6 आवर में फील कर सकता है। एक प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, ये एक नहीं है, ये पूर्ण विराम होगा, ठीक है? प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, तदनुसार यदि नल बी को 11 बजे प्रातः खोल दिया जाए, तो देखो पहले 10 बजे खोला, फिर एक को कब खोला? 11 बजे। तो टंकी की सम बहुत सिंपल है यार, 6 हमने ले लिया यहाँ पे, 6 लीटर मान लिया, लीटर नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सवाल आएंगे तब यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो 6 यूनिट हमने मान लिया। ए की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 3 आ जाएगा, तो 3 लीटर पर आवर आ जाएगा, तो ये प्लस में होगा, ठीक है? और 6 आवर मतलब ये आ जाएगा 1 लीटर पर आवर, मतलब ये जो एफिशिएंसी आ गई ये प्लस में होगी। अब इसे 10 बजे चालू कर दिया, किसे? ए को। अगर ए को 10 बजे चालू किया है, अगर ए को 10 बजे चालू किया है और बी को 11 बजे चालू किया है, तो आप मुझे बताओ ए ने 10 बजे से 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, 10 से कितने बजे तक? 11 बजे तक कितने घंटे काम किया? 1। तो ए जो है वो 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना फील करेगा बच्चों? 3। कितना करेगा? 3। तो 3 लीटर पर आवर ये हो गया दोस्तों, समझ में आ गया? तो 3 लीटर पर आवर ये 3 फील हो गया, किसने फील किया? ए ने। अब 11 बज गए हैं, लेकिन 11 बजे बी को खोल दिया जाता है, तो ए और बी दोनों फील करेंगे ना फिर, तो ए तो ओपन ही है, तो ए और बी कितना फील करते हैं? 3 + 1 इक्वल टू कितना? 4 लीटर पर आवर, ठीक है? तो 4 लीटर पर आवर ए और बी फील करते हैं, तो अब मुझे बताया किस समय पूरी भर जाएगी? तो 6 लीटर में से 3 लीटर तो ए ने फील कर दिया था 11 बजे तक, बचा कितना था? 3 लीटर। तो टाइम जो लगेगा ए और बी को वो कितना लगेगा? वो लगेगा आपका रिमेनिंग कितना था? तो रिमेनिंग जो था वो आपका था 6 - 3 इक्वल टू 3 था, तो 3 को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 4 से डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो 3 बाय कितना आ जाएगा? 4 आवर्स।
तो 3/4 आवर्स ये लगेगा और ये लगा 1 आवर्स, तो 1 आवर्स प्लस में 3/4 आवर्स तो किस समय तक पूरी भर जाएगी। तो आप मुझे बताएं 3/4 आवर्स कितने बजे के बाद लगा, 11 बजे के बाद। कितने बजे के बाद, 11 बजे के बाद। तो 3/4 आवर्स का मतलब क्या होता है, 3/4 आवर्स का मतलब होता है 3/4 × 60, तो 15 या 45 मिनट। कितने मिनट होता है, 45 मिनट। तो 45 मिनट और लगेंगे 11 बजे के बाद, तो 11 बजकर कितने मिनट, 45 मिनट पर ये टंकी क्या हो जाएगी, पूर्णतः फिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल को सॉल्व करें। ये हमने किया था, ये सवाल बड़ा आसान है, बहुत आसान सवाल है, इस सवाल को करें हम। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, सवाल को करें आप लोग। कर रहे हैं आप लोग सवाल, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बताएं, सवाल कर रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे हो। निशा का आंसर आ चुका है 6, बाकी लोगों का आंसर अभी तक नहीं आया है। क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। सॉल्व करें थोड़ा फास्ट, ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व करें। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा, देखो दिखने में वो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान सवाल है। यस पटेल साहब, हम आपको बताते हैं। पटेल साहब चिंता की कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीर पटेल साहब, नहीं बन रहा है, आपको हमारी जरूरत है और हमें भी आप लोगों की ही जरूरत है, ठीक है। हम सवाल करेंगे इस सवाल को और इसे समझना नीर पटेल जी और बाकी के लोग जिन्हें ये सवाल नहीं बना है। ए जो है वो कितने मिनट लेता है, 20 मिनट, ठीक है। बी जो है वो कितने मिनट लेता है, 30 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों, 30 मिनट। खाली क्या बोल रहा है, खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियों को खोल दिया जाता है, फिर कुछ समय के बाद किसको बंद कर देते हैं, ए को बंद कर देते हैं। ध्यान से सुनना, ए को बंद कर देते हैं। इस प्रकार यह टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। मतलब क्या होता है कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम ए इज क्लोज्ड, मतलब ए को बंद कर दिया जाता है कुछ समय के बाद। फिर क्या होता है कि टंकी कुल 18 मिनट में भर जाती है, मतलब आफ्टर दैट इट टेक्स 18 मिनट्स टोटल, ठीक है, आफ्टर दैट टोटल टोटल 18 मिनट्स टू टेक टू फिल दिस टैंक, मतलब 18 मिनट लगते हैं आपको पूरे टैंक को फिल करने में। तदनुसार ए को कितने समय बाद बंद किया गया था, किसमें बताना है, मिनट्स में। तो देखो ध्यान से समझना, एलसीएम हमने लिया यहाँ पर 60, हमने मान लिया माना 60 लीटर क्या है, टैंक है, ये एफिशिएंसी हो गई, माना है हमने 20 मिनट में 60, तो 1 मिनट में कितना, 3 यूनिट, मतलब 3 लीटर मान लो, तो हमें समझ में जल्दी आता है। बी जो है वो 30 मिनट में 60, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, 2 लीटर, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों को एक साथ ओपन करते हैं, ध्यान से समझना, जैसे ये टैंक है, ये टैंक है, ये पूरा खाली है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी हमें पता है कितने लीटर की है, 60 लीटर की। अब दोनों ही नल ए और बी, ए और बी अगर इसमें चालू होते हैं तो ए जो है ये बंद नहीं, ए बंद हो जाता है, कब बंद होता है पता नहीं, लेकिन बी इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनट में, शेष नहीं बोल रहा कुल 18, इसका मतलब है कि ये जो पूरा टैंक भरने में ना 60 लीटर भरने में 18 मिनट का समय लगा है। तो आप बताओ ए को बंद कर दिया गया था, बी को बंद किया क्या, नहीं, तो बी तो चालू ही था, तो बी ने 18 मिनट में कितना टैंक भरा ये हम देख लेते हैं, जो बचा कुचा है वो किसने भरा होगा, तो बी जो है ये भाई साहब एक मिनट में बी नल जो है वो कितने लीटर फिल करते हैं, 2 लीटर फिल कर देते हैं। तो आप बताइए 18 मिनट में कितना फिल करेंगे, तो 18 मिनट में भाई साहब कर देंगे 36 लीटर, हाँ या ना, 36 लीटर जो फिल किया है वो किसने फिल किया, बी ने। अगर बी ने 36 लीटर फिल किया है तो आप बताए 60 लीटर का टैंक था, अगर 18 मिनट लगे हैं टंकी को फिल करने में, तो केवल 18 मिनट में 36 लीटर तो बी ने फिल किया, तो जो रिमेनिंग बचा होगा, रिमेनिंग जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, वो बचा होगा हमारे पास कितना, ये बचा होगा 24 लीटर। तो
24 लीटर हमारे पास रेमेनिंग बचा। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? अगर यहां तक क्लियर है तो 24 लीटर जो फिल किया होगा वो फिल किया था किसने? ए ने किया था। तो ए जो है, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 24 लीटर फिल करने में इसे कितना टाइम लगा होगा? 8 मिनट। कितना लगा होगा? 8 मिनट। इसका मतलब ए जो है वो केवल 8 मिनट चला, लेकिन साथ में ए और बी चले थे। तो 8 मिनट अगर ए चला तो बी तो चल ही रहा था ना, बी तो चल ही रहा था। तो ए 8 मिनट के बाद क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। मतलब आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर और नॉट? यस, वही चल रहे हैं सब। ठीक है, डोंट वरी नेहा जी, त्रिपाठी जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब पूरी किरण की जो बुक है ना, वो अपने एक ऑफिशियल चैनल भी हमारा एप्टीट्यूड बाय अजय सरकार। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना इस चैनल को, इसको तो इसे कर लो फटाफट, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन अभी चल रही है और इसमें हम वीडियोस अभी प्रोबेबिलिटी वगैरह के वीडियोस भी डले हुए हैं, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक इसमें डले हुए हैं। तो आप वहां जाकर वीडियो को देखना, ठीक है। उसके बाद में एक सीरीज लाने वाला हूँ, अभी उसी की प्रोसेस चल रही है। जब सीरीज हम स्टार्ट करेंगे तो बंद नहीं करने वाले, उसमें हम पूरी की पूरी किरण की जो बुक है ना उसे हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है, पूरी की पूरी, एक एक, वन वन, मतलब हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन वी विल सॉल्व, ठीक है। तो उसे आप फटाफट से जाके देख लें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जब भी स्टार्ट होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये सवाल का आंसर हो गया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो कम है लेकिन आप ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जितने हैं उतने तो देखिए। बाकी के टॉपिक आपको यहां पर मिल जाएंगे लेट्स के कंप्लीट एग्जाम के इस चैनल पर। चलिए इस सवाल को करें, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये तो ऑरल ही आना चाहिए। देखो, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको सवाल देखते से ही ऑरल बन जाना चाहिए, आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आगे आंसर बहुत सिंपल है ना, प्रैक्टिस हो रही है अपनी, समझे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो तीनों साथ में चलेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो 12/6 मतलब 2। ये इस तरीके से करने हैं सॉल्व। तो जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है फटाफट देखते से आंसर कर देगा, ठीक है। जिन्हें नहीं है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि बेसिक क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भी वीडियो बनेगा। चलिए, ये सवाल को करें जरा फास्ट। आज तो जन्माष्टमी है, पूजा पाठ चल रही होगी आप लोगों की, तो है ना। ओके, आंसर आ चुका है 120 लीटर। शर्मा जी बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं, आंसर आ गया 120, वेरी नाइस। वेरी नाइस, लड्डू चल रहे हैं ऋतिक जी। अच्छा, नाइट में 12 बजे होती है, बहुत बढ़िया। हम बचपन में हमने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हमने माथे फोड़ दिए थे एक बार, बचपन भी नहीं था, 10वीं में थे हम। बड़ा बेहतरीन किस्सा है, वो भी सुनाएंगे, कभी मिलिएगा हमसे, ठीक है। किसी टैंक के, देखिए अब इस सवाल को समझें, किसी टैंक के 1/3 पार्ट भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, कितने लीटर? 80 लीटर। कितने लीटर? 80 लीटर, 80 लीटर, समझना ध्यान से। 1/3 भाग ये भरा हुआ है, इसका मतलब, ये पार्ट का मतलब क्या हुआ? 3 हिस्सा टोटल है, ये जो 3 हिस्सा है ना ये टोटल है, और ये जो 1 हिस्सा है ना ये भाग क्या है? भरा हुआ है।
तो तीन में से एक भरा है, ठीक है, इतना समझ लिया। उसने बोला 80 लीटर पानी आता है, एक बटे तीन भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। इसका मतलब ये टैंक है, इसमें है ना 80 लीटर पानी है, कितने लीटर, 80 लीटर। तो 80 लीटर पानी कब आता है, जब एक बटे तीन भाग क्या होता है, भरा होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बटे तीन भाग भरा है मतलब 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर कितना पानी होगा। तो पहले तो ये देखो फुल टैंक कितने का है, मतलब 80 लीटर भरा है तो 1/3 पार्ट भरा है, तो एक भाग मतलब ही होता है 100%। तो 100% मतलब एक भाग बराबर कितना होगा, तीन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 240। इसका मतलब जो टैंक हो गया वो कितने लीटर का, 240 लीटर का। अगर ये पूरा टैंक फिल होगा तो ये कितने लीटर का हो जाएगा, 240 लीटर का हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि अगर पूरा टैंक 240 का है तो उसने बोला आधा भरा होने पर कितना पानी होगा, तो 240 से आधा भरा होने पर कितना होगा, बड़ा सिंपल 120 लीटर, यस और नो। तो आंसर आ गया 120। क्या हो गया 120। क्वेश्चन को पढ़े, प्रैक्टिकली सवाल को करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की ओर हम मूव करते हैं, ये रहा अगला सवाल, इस सवाल को आप लोग करें। ठीक है, उस दिन के बाद से गांव में बंद हो गई मटकी फोड़ और हमने भी जाना बंद कर दिया है। करें सवाल, राशि असाती, ये आ गया आंसर 4। किस सवाल का आंसर है ये, राशि असाती, मुझे मूवी का वो डायलॉग याद आ गया सीक्रेट गेम का, तापी बतापी। अगर किसी ने देखी हो, मैंने देखी है अभी, तो बोलता है ऐसा, ठीक है, डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आंसर कमेंट करें आप तो फटाफट। एग्जैक्टली, बड़ा सिंपल है ना ये, देखिए लिख दो यहां पे ए 8 आवर्स, बी 5 आवर्स, ठीक है। अब उसने बोला यदि टैंक ये खाली करता है माइनस और ये फिल करता है प्लस, 3/4 भाग क्या हो, भरा हुआ है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो दोनों पाइप खोल रहे हैं तो पहले खोल लेते हैं दोनों पाइप, तो पहले तो एलसीएम लोगे कितना आएगा, 40। हमने मान लिया कि 40 लीटर मान रहे हैं, माना, यूनिट कुछ भी हो सकता है, ये 40 यूनिट है, यहाँ 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 40 लेकर हम एज्यूम कर रहे हैं। 8 घंटे में 40 तो 1 घंटे में 5, अगर 1 आवर्स में 5 लीटर पर आवर है तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई प्लस में, और ये माइनस में कितना आ जाएगा, 8 लीटर पर आवर। क्लियर यहां तक, ठीक। अब उसने क्या कहा कि अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो आप देखिए ए और बी अगर साथ में ओपन होते हैं तो ए बोलेगा भाई 5 लीटर, बी बोलेगा -5, तो कितना हो गया -3, तो -3 यूनिट पर आवर। ये जो है ना ये इनकी एफिशिएंसी हो गई 1 आवर की, कितने आवर की, 1 आवर की एफिशिएंसी हो गई, ठीक। उसने बोला कि यदि टैंक 3/4 भाग पानी से भरा हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय भरा होगी, मतलब ये जो टैंक आपने माना है ना एलसीएम लेकर, ये कितने लीटर का है, 40 लीटर का, कितने लीटर का, 40 ही हमने मान लिया। लेकिन उसने सवाल में बोला 3/4 भरा हुआ है, तो 40 का 3/4 करोगे तो ये आ जाएगा 30 लीटर। इसका मतलब है कि वो ये बोल रहा है कि अगर 30 लीटर भरा हो, आप मुझे बताएं कि यहां पर मैंने पानी फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, कितने लीटर है ये, 30 लीटर, अगर 30 लीटर फिल है तो बोल रहा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, मतलब जो पानी फिल किया हुआ है वही टैंक में से बाहर आएगा। तो आप बताओ ये दोनों मिलकर -3 मतलब 3 लीटर खाली करते हैं, तो इन्हें जो टाइम लगेगा, दे विल टेक टाइम, टोटल टेक कितना लगेंगे ये, 30/3, तो 3 से कैंसिल कर दो, 10
आवर मतलब 10 घंटे इन्हें टाइम लगेगा. दे विल टेक 10 आवर्स टू एम्प्टी द टैंक. ठीक है, टैंक को खाली करने में इन्हें कितना लगेगा? 10 घंटे. अगले सवाल की ओर हम मूव करते हैं. ये रहा सवाल. वेरी गुड, सभी लोग करेक्ट हैं, सभी लोग करेक्ट हैं. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस. वेरी गुड, एक्सलेंट, फैबुलस, स्प्लेंडेड, अनबिलीवेबल. करें नेक्स्ट सवाल. देखो, अगर आपको सफल होना है तो केवल आपको ही सोचना होगा, कोई और आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा. ठीक है, केवल आपको रास्ता ही मेंटर कर सकते हैं, रास्ता ही दिखा सकते हैं. अगर आपने सोच लिया कि मैं असफल हो जाऊंगी, मतलब आप हो जाएंगे. अगर आपने सोच लिया सफल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो आप हो जाएंगे. कहते हैं ना वही, यू कैन नॉट फेल अंटिल यू थॉट ऑफ गेटिंग फेलियर. जब तक आप खुद ये सोच लेते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो आप फेल हो ही जाते हैं. लेकिन अगर आपने पास होने का ठान लिया या आपने क्रैक करने का ठान लिया है तो एग्जाम क्रैक होगा ही. ठानना पड़ेगा, बस पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. इस सवाल को आप लोग सॉल्व करें, इस सवाल को आप सॉल्व करें. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सभी लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं. आई होप कि आप लोग सभी पेन कॉपी लेकर ही बैठे होंगे. पर डे आपको 2 आवर्स देना है. अगर मैं आप लोगों के लिए 2 आवर्स दे सकता हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी 2 आवर्स दे सकते हैं अपने आप को. ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस. चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं. अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है. आधे भरे टैंक को, आप मुझे बताओ कि अगर ये आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है तो पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा, बताओ जरा. अरे 20 घंटे में, 20 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो ए जो है वो 12 घंटे में फील करता है और बी जो है वो 10 घंटे में खाली करता है. सॉरी, तो बी से लिखना पड़ेगा यार, टोटल 20. तो एलसीएम आ जाएगा 60, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 3, तो -3 क्योंकि ये खाली कर रहा है. दोनों नल एक साथ खोल देते हैं तो खाली टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा? तो 60 लीटर का टैंक है, 60 लीटर का टैंक, आधा टैंक खाली है. तो ये भरा हुआ है आधा, 30 लीटर भरा हुआ है, तो आधा टैंक ये क्या है, खाली है. तो 30 लीटर खाली होगा, तो 30 लीटर खाली को इन्हें क्या करना है, इन्हें कितना समय लगेगा भरने में? तो ए और बी दोनों साथ में चलेंगे तो ए फिल करेगा 5, बी खाली करेगा 3, तो 2 लीटर फिल होगा अल्टीमेटली. तो 2 फिल होगा तो 30 लीटर फिल करना है 2 की, उससे तो कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे. इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 15 घंटे. आपका कितना आ रहा है? आपने 12 और 10 लेकर ही इसे सॉल्व कर दिया होगा. आपका एलसीएम आ जाएगा इसमें 60 आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका 6, तो -1 और 1 से आपने डिवाइड कर दिया होगा 60, ऐसा कुछ है किया गया आपने. 15 आवर्स आएगा इस सवाल का आंसर. ठीक है, यस एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है. रोहित, निशा, विजेंद्र, राशि, वेरी गुड. राजंती, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. भाई तू नाचना सड़क पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेकिन यहां मत कर देना, मोबाइल तुम्हारा ही है वो. ठीक है, थोड़ा ध्यान से, जेसी पिंकमैन. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. ये लीजिए सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. क्या बोल रहे हैं आप ऋतिक जी? करें इस सवाल को. इस सवाल को सॉल्व करें.
चलिए इस सवाल को सॉल्व किया आपने। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ए जो है वो 6 आर लेता है, बी जो है वो 9 आर लेता है, सी जो है 12 आर लेता है, एलसीएम ले लो फटाफट 36। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की निकाल लो, क्या जाएगा 6, या जाएगा आपका 4, या जाएगा आपका 3। सभी फील करने वाले टाइम है। उसने बोला बी एंड सी जो है वो हाफ आवर्स के लिए ओपन किए जाते हैं, तो बी और सी जो है हाफ आवर के लिए ओपन करेंगे, तो बी जो है 4 फील करता है, ये 3 करता है, तो 4 और 3 कितना 7, 7 लीटर फील हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1 आवर में, कितने आवर में 1। तो आप बताइए हाफ आवर में बी और सी कितना फील कर देंगे, 7.5 और 3.5, ठीक है 3.5 लीटर ये हाफ आवर में फिल कर देंगे। ठीक है, खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है, मतलब आधे घंटे के बाद ए को खोल रहे हैं, तो 3.5 फिल हो गया। अब मुझे बताइए 36 में से 3.5 तो फिल कर दिया इन दोनों ने, तो कितना बचा होगा, ये बचा होगा आपका 32.5। तो 32.5 जो है वो हमारा क्या बचा है, रिमेनिंग बचा है, ये हमारा रिमेनिंग बचा है, तो रिमेनिंग जो बचा है इसे हमें फिल करवाना है। तो ए आ गया, अब ओपन कर दिया को, तो तीनों नलियों को, टंकी को, शेष भाग को भरने में, शेष का पूछा है रिमेनिंग टाइम कितना लगेगा, तो 32.5 बचा है। अगर तीनों एक साथ ओपन होते हैं तो ए बी और सी, ए तो फिल करता है 6, बी करता है 4, सी करता है 3, 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 से आप डिवाइड कर दें, तो 13 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 325 बटे 130, 13 एकम 13 बचा कितना, 13 दूनी 26 बचा कितना 6, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10 5 25, ये आ जाएगा आपका कितना 2 सही 1/2 घंटे। तो 2 1/2 आवर्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 2.5 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे का मतलब होता है आपका 2.5 घंटे। ठीक है, तो 2.5 घंटे इस सवाल का आंसर होगा, एग्जैक्टली सी आंसर इसका करेक्ट है। देखो क्या हुआ कि कुछ नहीं है, ये तो आपको सिंपली पता है, ए बी सी एलसीएम लिया 36, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। अब बी और सी जो है इनको ओपन कर दिया, तो ये 4 फील करता है, ये 3 फील करता है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, लेकिन इसने बोला केवल आधे घंटे के लिए, ये तो 1 घंटे की एफिशिएंसी, तो आधे घंटे में बताओ कितना फील करेंगे, आधे घंटे में फील करेंगे 3.5, या फिर आप यहीं पे आधा कर लो, ये 1 घंटे में 4 करता है तो आधे घंटे में 2, ये 3 करता है तो आधे घंटे में 1.5, तो ये 3.5 हो गया, दोनों की एफिशिएंसी 1.5 लीटर ने फील कर दिया आधे घंटे में। तो 36 में से 3.5 लीटर माइनस करोगे कितना आएगा 32.5 रिमेनिंग बचा है, तो रिमेनिंग जो है अब किसको फील करना है, तीनों को, ए बी और सी को, तो ये फील करते हैं 13 1 घंटे में, तो 32.5 कितने घंटे में, इससे डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो आंसर हमारा आ गया 2.5 घंटे। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इस सवाल को करें, थोड़ा तेज गति से करें। थोड़ा आराम से पढ़ें इस सवाल को, ठीक है।
करें इसे सॉल्व। बनाए किसी को? नहीं बना। एक बात बताओ, यहां पर उसने क्या बोला है? दो नल है, एक ए और एक क्या है बी, ये दोनों साथ में चलते हैं ना, तो किसी टंकी को फिल करने में 12 घंटे का समय ले लेते हैं। कितने घंटे का? 12। एक लॉजिकली तरीके से हम सोचते हैं सवाल को करने का तरीका। देखो चार ऑप्शन के अलावा कोई आंसर तो हो नहीं सकता, तो चारों ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं, हम 12 घंटे लगते हैं। अब क्या हो रहा है, दो नल है, एक नल ए है और दूसरा क्या है बी। मतलब ये मान लेते हैं हम ये तेज गति वाला है, ये क्या है तेज गति। जो नल स्पीड से किसी टैंक को फिल करेगा उसे टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? जो स्पीड जिसकी ज्यादा होगी जिस नल की, उसको टाइम कम लगेगा। अरे उसको टाइम कम लगेगा नहीं लगेगा भाई, बहुत जल्दी फिल कर रहा है टंकी को, तो टाइम कम समय लगाएगा, तो इसको कम समय लगेगा, इसको क्या लगेगा कम समय। और ये धीमी गति वाला है तो ये आराम से फिल करेगा, धीमी गति वाला है तो इसे क्या लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा ज्यादा टाइम। उसने बोला कि देखो एक नली एक उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक गति से भरती है। 10 घंटे अधिक गति का मतलब है कि अगर ये 5 घंटे, ये अगर 20 घंटे में फिल करता है तो ये कितने घंटे में फिल करेगा 10 घंटे में। ये समझ में आया कि तेज गति का मतलब ये नहीं कि ये 20 घंटे में फिल कर रहा है तो ये 30 घंटे लेगा, तो इसका मतलब तेज नहीं हुआ। अगर मान लो आप किसी कोचिंग में जाते हैं, आप और आपके दोस्त, देखो ध्यान से, आप और आपके दोस्त जाते हैं कोचिंग, तो आपकी गति तेज है और इसकी गति क्या है धीमी है, तो मुझे ये बताओ कि जल्दी कौन पहुंचेगा? अरे गति स्पीड जिसकी ज्यादा है ये जल्दी, मान लीजिए ए 2 घंटे में पहुंच रहा है और ये पहुंच रहा है 4 घंटे में क्योंकि ये आराम से आ रहा है, तो आप बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? ये 4 घंटे में पहुंच रहा है धीमी स्पीड में और ये स्लो जा रहा है, ये तेज जा रहा है, तो 2 घंटे में पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, तो आप मुझे बताओ कि इसकी स्पीड ज्यादा है कि इसकी स्पीड ज्यादा है? इसकी ज्यादा है ना, ऐसा नहीं करना है कि ये 4 है तो ये 2 घंटे ज्यादा तेज है, ये तो ठीक है, लेकिन 4 घंटे ये है तो ये 6 घंटे नहीं होगा। समझना ध्यान, क्या समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि ए की जो स्पीड है वो तेज है और बी की स्पीड क्या है स्लो है। अगर बी जो है वो स्लो है और ए तेज है, तो उसने बोला है कि ये 10 घंटे क्या है तेज गति से, इसका मतलब है कि ये जो है ना, इसको जो टाइम लगेगा ना ये ज्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा ज्यादा, इसको टाइम क्या लगेगा ज्यादा, और इसको जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा कम लगेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कम लगेगा, इसको टाइम क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। इसको कितना कम लगेगा 10 घंटे, मतलब इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप होगा वो 10 घंटे का गैप होगा। क्लियर हो गया? तो 10 घंटे क्या होगा, ये कम होगा, कौन कम होगा, ए कम होगा 10 घंटे का। तो हम क्या करते हैं, उसने क्या पूछा, देखो तदनुसार वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटों में भर देगी, उस टंकी को अकेले कितने घंटों में भर देगी, ये सवाल करना है। तो हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि वो जो नल है ना, जो तेज गति वाला कौन है ए, वो कितने घंटे में फिल कर देगा। तो पहला हम ले लेते हैं 20। अगर मान लीजिए ए जो है अकेले 20 घंटे लेता है, ए के बारे में हम बात कर लेते हैं, ए अगर 20 घंटे लेता है तो अगर ये 20 लेगा तो बी कितने लेगा बताओ, 30 लेगा या नहीं लेगा? अरे 30 घंटे लेगा। 30 घंटे इसलिए लेगा क्यों भैया, इसकी स्पीड जो है वो धीमी है। अब एलसीएम लोगे 60 आएगा, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 2, तो ये प्लस 3, ये आ जाएगा प्लस 2। अगर दोनों साथ में चलते हैं तो ए और बी अगर साथ में चलेंगे तो कितना फील होगा, 5 होगा। तो 60 लीटर का टैंक कितना टाइम लगेगा इन्हें, इन्हें जो टाइम लगेगा वो 60/5 मतलब कि कितना 12 घंटे लगेंगे दोनों साथ में चलते हैं। और सवाल में दिया हुआ है कि दोनों जब साथ में चलते हैं तो कितने घंटे लेते हैं, 12 घंटे का समय लेते हैं। मतलब हमने जो ये भाई कौन है, मतलब विदेश के लोग भी हमें देख रहे हैं, वाह भाई। चलिए इग्नोर इट, देखिए यहां सॉल्यूशन पर फोकस करें, आप लोग सॉल्यूशन पर फोकस करें। हमने क्या किया, यहां पर इतना समझना था कि ये तेज गति वाला है तो इसको कम समय लगेगा 10 घंटे, और ये धीमी गति वाला है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा।
तो हमसे पूछा गया तेज गति वाला कितना है, मतलब ए के बारे में पूछा है, तो ए के बारे में हमने पहला ऑप्शन उठा लिया बी। अगर बी उठा लिया है तो बी जो है वो धीमी गति वाला है, तो इसे 30 घंटे लगेंगे, 10 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लिया 60 आ गया, तीन और तो 5 हो गया, 5 से डिवाइड किया 12, मतलब दोनों जब साथ में चलेंगे तो 12 घंटे लगते हैं, और सवाल में ये दिया है कि 12 घंटे का समय लगता है दोनों जब साथ में चलते, मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी दूसरे ऑप्शन आपको उठाना ही नहीं है अगर पहला सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये मत समझना कि पहला कैसे हो गया, ये मेरा गलत हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं, कतई नहीं सोचना है। चलिए सवाल लेते हैं, अगला सवाल, इस सवाल को करें वेरी सिंपल। आप लोग फटाफट से इसको एक बार ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं भाई, ए जो है वो तेज गति वाला है, बी जो है वो धीमी गति वाला है, तो तेज गति का मतलब ये हुआ स्पीड ज्यादा है तो वो समय कम लेगा, मैं ये बोल रहा हूं स्पीड ज्यादा है समय कम लेगा, आप दौड़ के जाओगे तेज गति तो आपको कहीं जाने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा, तो 10 घंटे कम लगेगा क्योंकि 10 घंटे का गैप है, उसने ही बोला 10 घंटे, तो ए तेज गति का है और बी धीमी गति का, ये समझ में आ गया, और ए जो है वो 10 घंटे कम लेगा ये भी समझ में आ गया। तो हमसे बोला तेज गति वाला अकेले टंकी को कितने घंटे मरेगा, तो हमने मान लिया 20 घंटे मरेगा, तो ए का मान लिया 20 घंटे, तो अगर ए तेज गति का है तो बी जो है वो 10 घंटे ज्यादा लेगा भाई 30 घंटे, क्योंकि ये धीमी गति का है, तो 30 आवर आ गया ये, ठीक है। अब एलसीएम लिया तो 60 आ गया, जब दोनों को एक साथ ओपन किया तो 5 लीटर आ रहा है एक घंटे में, तो 60 लीटर को फिल करने में 12 घंटे, मतलब दोनों 12 घंटे ले रहे, अगर यहाँ 12 नहीं आता तो हम ऑप्शन दूसरा उठाते, क्लियर, तो मतलब ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। आप सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे वहां पर एक्स दिया होगा, एक्स प्लस 10 दिया होगा, 1/x, 1/x + 10 = 1/12, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई फलाना ढिमका और सब कुछ, ठीक है, ओके संग्राम जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2 pipe A and B can fill the tank in 30 minutes and 45 minutes respectively if both pipe are open simultaneously, at what time, how much time will it take to empty the tank? Yes, yes, सवाल मैं बोल रहा हूं, A can empty the tank in 30 minutes, we can empty the tank in 45 minutes if both pipe are opened simultaneously, and how much time it will take to empty the tank, ye batana hai, sab khali karne wale hi nal hai, to dekhiye yahan par liya aapne lcm a and b, ye aa jayega aapka 30 minutes, ye aa jayega aapka 45 minutes, lcm aa jayega aapka 90, lcm aa gaya 90 matlab ye aa jayega aapka 3 और ये आ गया आपका 2, ये दोनों की क्या हो गई क्षमता, मतलब एफिशिएंसी क्या हो गई बच्चों, एफिशिएंसी हो गई, ये माइनस में आएगी, ये भी माइनस में। अब ये केवल आपको प्रैक्टिकली ये सवाल करना है, ए और बी साथ में ओपन होते हैं तो -3 -2 कितना हो जाएगा -5, तो 90 लीटर का टैंक है, -5 मतलब 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 40, मतलब 18 मिनट इस सवाल का आंसर होगा, एग्जैक्टली 18 मिनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड पवन जी, दिलीप जी, रोहित जी, रितेक, संग्राम जी, नी पटेल, वेरी नाइस, मनीष जी, राज चौहान, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक सभी को, माया जी, पवन जी, वेरी गुड, राशि जी, वेरी नाइस, निशा जी, गुड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये सवाल बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बहुत खूबसूरत सवाल, दिखने में बहुत सुंदर, ठीक है, इस सवाल को करें। किया था हमने ये सवाल, ये ना याद आया कुछ, चलिए सवाल को हम करते हैं, सवाल किया आप लोगों ने, यस, पाइप ए कैन फील द टैंक इन 3 आवर्स, पाइप ए कैन फील द टैंक इन 3 आवर्स बिकॉज ऑफ लीकेज, इट टेक्स 3 1/2 आवर्स टू फील द टैंक, बिकॉज ऑफ लीकेज इट टेक्स 3 1/2 आवर्स टू फील द टैंक, देन
द लीकेज पाइप हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। आपको ये बताना है कि जो लीकेज वाला पाइप है वो टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो यहां पर ए की वैल्यू आ गई 3 आवर्स में फिल करता है, लेकिन लीकेज के कारण क्या होता है इसे आधे घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब ए तो चलेगा ही ना, वो तो दिखती बात है, ये यहाँ पर छुपा हुआ है, मतलब हिडन है। तो ए के साथ बी चलेगा तभी तो इसे 3.5 घंटे लगेंगे या नहीं लगेंगे, हाँ या ना भाई। छेद के कारण मतलब छिद्र के कारण, इस लीकेज के कारण इसे फील करने में 3.5 घंटे लगते हैं। मतलब ए तो चलेगा ही चलेगा, बी भी चलेगा, दोनों साथ में चलेंगे, तो 3×9 और 1 10 मतलब 10/3 आवर्स लगेंगे। एलसीएम लेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 लीटर, मतलब 30 लीटर यहाँ पर इसकी जो आ गई वो कैपेसिटी आ गई टैंक की, ठीक है। एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी कितनी, 10, ये आ जाएगी 10 प्लस में, और ये दोनों की कितनी आ जाएगी 30 में डिवाइड करोगे 10/3 से, तो 3 चला जाएगा ऊपर, ये कैंसिल आ जाएगा 9, इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी आ गई वो 9 लीटर आ गई है। तो अब मुझे बताएं, ए अलोन जब ओपन था तो 10 लीटर फिल कर रहा था, जब दोनों ओपन है तो 9 लीटर फिल हो रहा है, 1 लीटर गायब हो गया। इसका मतलब है कि ए की एफिशिएंसी अगर आप यहां पर 10 रखते हैं तो यहां पर बी की एफिशिएंसी बंद रखना पड़ेगा, तब जाके 9 आएगा। मतलब ए और बी मिलकर 9 लीटर फिल करते हैं, लेकिन ए अकेला 10 फिल करता है, तो एक गायब हो रहा है, मतलब बी की जो एफिशिएंसी वो -1 है, तो बी जो है वो -1 लीटर क्या करता है, खाली करता है। तो 30 को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो उसे टाइम लगेगा कितना, 30/1 मतलब कितना, तो 30 ये क्या जाएगा 30 घंटे, तो 30 घंटे जो होगा गलत है क्या इसका आंसर, बिल्कुल जरूर बिलेन जी प्लीज सर इंग्लिश क्वेश्चन, ओके 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 सुना। इस सवाल का आंसर ऑप्शन में से बिल्कुल नहीं होगा, इस सवाल का आंसर होगा आपका 30 आवर्स, क्या होगा 30 आवर्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, 30 आवर्स इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आंसर इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को करें, देखते हैं कौन कौन इस सवाल को कर लेगा। वेरी सिंपल वेरी इजी, देखिए बिकॉज ऑफ लीकेज अ टैंक कैन एम्प्टी इन 10 आवर्स। 10 घंटे में कोई नल ए है जो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो माइनस लिख दिया, मतलब ये एम्प्टी कर रहा है। यदि टंकी पानी पूरी तरह से भरी हुई है, पानी से पूरी तरह भरी है, मतलब टैंक अगर पूर्ण तरीके से क्या हुआ है, फिल हुआ है, मतलब पूरा फुल है अगर टैंक, तो 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से टंकी में पानी भरने वाला जो नल है वो चालू कर दिया गया। कितने की स्पीड से, 4 लीटर पर मिनट। अच्छा, प्रति मिनट, पर मिनट का मतलब होता है कि एक नल बी है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि जो बी है वो 4 लीटर, ये सवाल में दिया हुआ है लीटर, 4 लीटर पर मिनट। ये जो 4 लीटर पर मिनट, देखो पर मिनट पर आवर पर सेकंड, ये जो होती है ये एफिशिएंसी होती है, तो ये एफिशिएंसी हो गई, किसकी एफिशिएंसी, बी की, ये सवाल में गिवन है। अभी तक हम निकालते हुए आ रहे थे, वैल्यू को एज्यूम कर रहे थे, लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि 4 लीटर पर मिनट टंकी में पानी फिल करता है बी ने, तो छिद्र द्वारा मतलब लीकेज के द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। क्या बोला है सवाल, फिर से पढ़ लेते हैं। एक टंकी की तली में एक छिद्र है, मतलब एक लीकेज है, जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में क्या हो जाती है, खाली, मतलब ए नल जो है वो टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, सिंपल सी बात ये, ठीक। अब मुझे बताओ, यदि टंकी पानी से पूर्ण तरह भरी हो, तो भरी हो साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, मतलब खाली करने वाला तो चल ही रहा है साथ में फिल करने वाला भी चल रहा है, तो इस बार फिल करने वाला कौन है, बी, तो दोनों नल अगर चल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है, तो अब 15 आवर्स लग रहे हैं, 15, देखो जब बी चल रहा था तो 10 घंटे लग रहे थे, लेकिन ए चल रहा था तो 10 घंटे खाली होने में लग रहे थे, लेकिन इसके साथ बी चल रहा है,
तो 15 घंटे लग रहे हैं, ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बी जो है ना वो टंकी को फिल करेगा। तो एलसीएम लेते हैं कितना आएगा 30। हमने मान लिया कि 30 लीटर नहीं होगा बच्चों, ये 30 यूनिट होगा, लीटर सवाल में दिया हुआ, हम मान रहे थे अभी तक, इसलिए मान रहे थे, मैं इसलिए इस सवाल का इंतजार कर रहा था इतने वीडियो के बाद, क्योंकि यहाँ पर यूनिट होगा। अब 30 यूनिट हमने एज्यूम कर लिया, मतलब 30 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, हमें सवाल में बताना है कि कितने लीटर का टैंक है, इस बार हमें एफिशिएंसी बताना है। तो 30 यूनिट हमने मान लिया, एक ही ए जो है वो 10 घंटे में 30 यूनिट फिल करता है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट इसने फिल कर दिया पर आवर, तो 3 यूनिट ये हो गई इसकी एफिशिएंसी, किस में आएगी ये बच्चों, माइनस में। उसके बाद 15 आवर्स में ये दोनों जो है जब क्या करते हैं, एक नल चालू रखा है तो छिद्र को खाली करने में, खाली होता है 15 घंटे में, क्या हो रहा है खाली, तो इनकी जो एफिशिएंसी आएगी वो भी माइनस में आएगी, तो 15 × 2 = 30, तो 2 आ गया, तो 2 यूनिट पर मिनट ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, ए की एफिशिएंसी -3 है, तो बी की वैल्यू क्या रखूं, मतलब देखो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी -2 यूनिट पर मिनट आ गई, पर आवर आ गई। तो अब मुझे बताइए कि ए की एफिशिएंसी तो हमने यहां निकाली है कितनी आई, -3, तो यहां रख देंगे -3, तो प्लस बी की वैल्यू पता नहीं है, यहां आ जाएगा -2, तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2 + 3, मतलब कितना आ जाएगा ये, b = 1, तो b + 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि b जो है वो टंकी को क्या करता है, फिल करता है। ये एक लीटर हम बोलते थे कि एक लीटर पर मिनट फिल करता है, लेकिन ये एक लीटर नहीं है, यूनिट है। सवाल में दिया हुआ है कि b की एफिशिएंसी तो 4 लीटर पर मिनट है, लेकिन हमने जब निकाला तो b की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर मिनट है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, ये जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, ये भी एफिशिएंसी है, ये भी एफिशिएंसी, तो दोनों इक्वल हो गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर पर मिनट हो गई। समझ में आया क्या, अगर 4 लीटर एक मिनट में फिल हो रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर हो गई, तो आप मुझे बताओ ये 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 यूनिट की वैल्यू के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 × 30 मतलब 120 लीटर, अच्छा ये मिनट नहीं होगा, ये क्या होगा, आवर होगा, ये क्या होगा बच्चों, आवर होगा, नहीं ये तो मिनट ही है, सॉरी यहाँ पे मिनट दिया हुआ, तो देखो एक मिनट में 4 लीटर, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक मिनट में अगर ये 4 लीटर दिया हुआ है सवाल में, तो 60 मिनट में कितने लीटर होगा, 60 मिनट में होगा ये, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 लीटर, देखो सवाल में दिया हुआ है 4 लीटर पर मिनट ये फिल करता है, तो हमने देखा एक मिनट में 4 फिल करता है, तो 60 मिनट में कितने फिल करेगा, 240, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 240 लीटर पर आवर बोल सकता हूँ, तो 240 लीटर पर आवर ये फील करता है, तो यहाँ देखो ये जो एक यूनिट आया ये पर आवर में आया, तो एक यूनिट पर आवर ये क्या कर रहा है, एक यूनिट पर आवर क्या कर रहा है, ये फील कर रहा है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी ना, एक यूनिट की जो वैल्यू होगी ना वो किसके इक्वल होगी, एक यूनिट की जो वैल्यू होगी ना वो किसके इक्वल होगी, वो 240 के बराबर होगी, या सुनो 240 के बराबर होगी 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो, क्योंकि ये जो है ना ये पर आवर में निकला है और सवाल में पर मिनट में दिया हुआ था, तो मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया, तो 1 आवर में 240 आ गया, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 240 लीटर पर आवर आ जाएगा, तो 1 यूनिट = 240 लीटर, तो 30 यूनिट मतलब ये टैंक की कैपेसिटी है, तो 30 × 240 कर देंगे, तो 24 × 72, तो 7200 जो आ जाएगा वो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर हम मूव करते हैं, ये रहा हम, ये लास्ट सवाल है, ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको दूंगा, तो आपको उसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, वहां पर भी आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन पूरे। इंग्लिश में यह है कि ए एंड बी, देयर आर टू पाइप ए एंड बी, ए कैन फिल द टैंक इन 6 आवर एंड बी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर, ये 6 आवर्स में और ये 8 आवर्स में, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली बट 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, मतलब आफ्टर 2 आवर्स ए इज क्लोज्ड, आफ्टर 2 आवर्स ए इज क्लोज्ड, तो आपको बताना है रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो बी कितने घंटे में फिल कर देगा, मतलब हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द टैंक, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट बताना है आपको कितने समय में फिल करेगा, बड़ा सिंपल है, हमने बहुत सवाल कर लिए इसके, 6 आवर
बी जो है वो 8 आवर्स एलसीएम 24, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, ये प्लस 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया, मतलब बी को बंद, सॉरी दोनों को चालू करेंगे, ए और बी, ए फिल करेगा 4, बी करेगा 3, 4 और 3 7, ये जो 7 हो गया ये कितने 1 घंटे में, ठीक है, तो 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे में कितना फिल होगा, 2 घंटे में हो जाएगा 40 लीटर, हो जाएगा 40 लीटर। अब ए को बंद कर दिया तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो कितना बचा होगा, 24 माइनस 14 इक्वल टू कितना 10 लीटर, ये रिमेनिंग पार्ट है। तो अब ये जो टाइम लगेगा ये किसको लगेगा, बी को, तो बी को जो टाइम लगेगा वो 10 अपॉन में कितना, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3 1/3 आवर्स, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल और बचे थे, इन्हें हम अभी और करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आप इस चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे कर लें। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सब्सक्रिप्शन बड़ा सस्ता है, किफायती है, कि कोई हम सेल ऐसे कर नहीं रहे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जो एजुकेशन होगी ना, ये है ना, आपको 300 रुपये पर मंथ में पड़ रही है, 300 रुपये पर मंथ ओनली। क्या आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या 300 रुपये खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप 300 रुपये पर मंथ में 1 मंथ का भी है कोर्स, उसको आप देख लें, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप यूट्यूब पर पढ़े, कहीं और पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें 12 मंथ और 24 मंथ का जो है ना, बहुत 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 ज्यादा क्या है, किफायती है आपको, ठीक है। मैं खुद यहाँ पर 10,000 रुपए खर्च कर रहा हूं बिकॉज ऑफ यू, तो यू कैन ऑल्सो स्पेंड मनी फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ही लाइक करें, ना पसंद है तो अनलाइक को 2-3 बार कर दें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें ताकि वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इधर उधर ना भटकें, ठीक है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। चलिए तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।